नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। हर दिन लाखों संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिससे अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हर रोज ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे दुख भरे माहौल में नागपुर के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इस कारोबारी का नाम है प्यारे खान। प्यारे खान ने ऑक्सीजन की परेशानी को समझते हुए 1 करोड़ रुपए ऑक्सीजन दान दी है। प्यारे खान ने नागपुर में कोरोना की बेकाबू स्थिति को देखते हुए 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दान के रूप में दी है। यही नहीं, ऑक्सीजन सुचारू रूप से मिल पाए इस पर भी वो अपनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में किसी तरह की कोई बाधा न आए। उन्होंने 25 टैंकरों की मदद से 10 दिनों में नागपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। ये सभी टैंकर भिलाई, विशाखापत्तनम, बेल्लारी से ऑक्सीजन लाए जा रहे हैं। प्यारे खान की निजी जिंदगी की बात करें तो प्यारे खान आज एक बड़े ट्रांसपोर्ट के कारोबारी हैं। प्यारे खान ने 1995 से 2001 तक ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया है। अपनी कड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद आज वो असमी रोडवेज नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं। जानकारी के मुताबिक उनके पास कुल 300 से भी ज्यादा ट्रक हैं। प्यारे खान का ट्रांसपोर्ट कारोबार भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।